मैं फोर्थ व्यू कॉलोनी से बोल रही हूँ। शाहिद पिरा और शाहिद पिरा के बच्चे दोनों मिलके मेरे बच्चे को मारे और उसको ब्रेन पे मारे और कान पूरा कट गया उसका, स्टिचेस लगे और ब्रेन हैमेज हो गया और स्पाइनल पे भी हैमेज हुआ उसको और स्पाइनल कॉर्ड पे भी बहुत ज़ोर से लगी उसको और अब तो अंडर कॉन्शियस है और उसको सर्जरी के लिए बोल रहे और उन लोगों के पास हथियार है। 20-25 जने आके मारे, एक बच्चे को नहीं मारे, 10 जनों को मारे एक साथ आके, और एक्शन लेना ज़रूरी है उन लोगों के ऊपर। शाहिद पिरा और शाहिद पिरा के बच्चे सिराज एंड फराज एंड उनके फ्रेंड्स पूरे 20-25 जने कुछ थे वो लोग, और वो लोग के पास हॉकी स्टिक, बेसबॉल स्टिक एंड छुरी थी और बहुत सारे थे उन लोगों के पास जो चीज़ा वो लोग पूरे जेब में रख के और हाथों में रख के लेके आके मारे। और इन लोगों के ऊपर एक्शन लेना ज़रूरी है और पुलिस उन लोगों को अरेस्ट करना ज़रूरी है, उन लोगों के ऊपर केस करना ज़रूरी है और पुलिस उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रही। अभी भी आप जाके देखिए पुलिस उनके घर के पास है, उन लोगों को अरेस्ट पुलिस अब तक नहीं करी। उन लोगों को लड़ाई की वजह सिंपली कुछ भी नहीं है, वो लोग कॉलोनी में रहते हैं कि कॉलोनी में हम ही सब कुछ है बोलते हैं वो लोग और उनकी चलना बोलते हैं अननेसेसरी कुछ भी यहाँ पे उसका लड़ाई की कुछ है ही नहीं। वो लोग सिंपली आके मारे घर के सामने आके मारे, वो लोग 25-30 जनों को लेके आके मारे। स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, बच्चे ग्रेजुएशन कम्प्लीट है बच्चे का, बच्चा अमेरिका जाने वाला था, बच्चे का एक 1 मंथ में इंटरव्यू है, बच्चे को ऐसा मारे वो लोग और इस पर एक्शन लेना ज़रूरी है। एक को बोल के नहीं, रास्ते में चलते हुए औरतों को भी छेड़ते और एक्टिवा पे गए तो कटा मारते औरतों को और वो लोग इतने ख़राब है, उन लोगों के ऊपर एक्शन लिए लो बोल के यही है हम लोगों की दरख्वास्त, यही है। हम इससे पहले भी उन लोगों के ऊपर कंप्लेंट करे थे बट कि वो लोग बोले कि हम लोग नहीं करते ऐसा कुछ भी, आके माफ़ी मांगे वो मांगे तो हम लोग खामोश बैठ गए। फिर नेक्स्ट टाइम वो लोग फिर अब इतना ख़तरनाक करे और बच्चे की हालत बहुत सीरियस है,